हेलो बीटीएस आर्मीज। तो गाइस हमारे फेवरेट के पॉप आइडल बीटीएस मेंबर्स को हमें छोड़कर एक ना एक दिन तो मिलिट्री में जाना ही है, और वो दिन बीटीएस मेंबर्स के लाइफ में कभी भी आ सकता है। पर फिर भी दुनिया भर की आर्मीज को लगता है कि बीटीएस जितनी ज़्यादा हो सके उतने दिन हमारे साथ रहे और इतनी जल्दी मिलिट्री में ना जाए। पर गाइस क्या आपको ये बात पता है कि हाल ही में ही दुनिया भर की आर्मीज के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ सामने आई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे बीटीएस के मोस्ट हैंडसम मैन कहे जाने वाले किम तिहंग और इंटरनेशनल प्लेबॉय कहे जाने वाले जिओन जंगकुक की मिलिट्री अनलिस्टमेंट की डेट कंफर्म हो गई है। और अब फाइनली टी कुक अपनी फेवरेट आर्मीज को छोड़कर मिलिट्री में जाने वाले हैं। तो गाइज हम सबको ये बात तो पता है ही कि बीटीएस में सबसे छोटे जिओन जंगकुक है और उनके साथ साथ वी और जिमिन भी, और उनको बीटीएस के यंगेस्ट मेंबर भी कहा जाता है। वैसे तो एज के हिसाब से देखा जाए और जो पोस्टपोन बीटीएस को मिली थी उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी जंगकुक, वी और जिमिन के पास अगले एक साल तक का टाइम है मिलिट्री को पोस्टपोन करने का। पर गाइज हाल ही में ही कोरियन मीडिया से पता चला है कि इस साल के इन तक वी, जिमिन, जंगकुक और बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए चले जाएंगे। तो गाइज ये बात सुनकर आपने सोचा होगा कि अगर बीटीएस के पास और भी ज़्यादा टाइम है तो वो इस साल के इन तक ही क्यों मिलिट्री में जाएंगे। तो गाइज आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जब पिछले साल हमारे बीटीएस के मेंबर जीन मिलिट्री में गए थे तो तब भी अनाउंस कर दिया था कि इस साल के इन तक जंगकुक और वी की सोलो एल्बम लॉन्च हो जाएगी। और पहले से ही बिग हिट ने एक स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से जैसे जैसे बीटीएस के मेंबर्स अपने सोलो एक्टिविटीज़ को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद वो मिलिट्री में चले जाएंगे और उसी चीज़ को हमारे वी और जंगकुक भी फॉलो करेंगे। और गाइज हाल ही में ही कोरिया में जो कॉन्सर्ट हुआ था बीटीएस फेस्टा स्पेशल, उसी कॉन्सर्ट में आर्यम ने भी कंफर्म कर दिया था कि वो जल्दी ही मिलिट्री जाएंगे। और ऐसे ही अब आर्यम जल्दी ही जाएंगे और जीन और जे होप तो पहले से ही जा चुके हैं, और हमारे शुगा को तो जाना ही नहीं है क्योंकि उनके शोल्डर की वजह से, और वो गए भी तो वो सोशल सर्विस के लिए जाएंगे। और अब हमें ये न्यूज़ भी मिल गई है कि इस ईयर के इन तक हमारे वी, जिमिन, जंगकुक भी मिलिट्री में अनलिस्ट हो जाएंगे। यानी कि गाइज इस साल के एंड तक हमारे बीटीएस के सभी मेंबर्स मिलिट्री में जाएंगे और हमसे दूर भी हो जाएंगे। पर गाइज इसमें ही एक गुड न्यूज़ भी है क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि वो जल्दी जाकर जल्दी ही वापस एक ग्रुप के साथ वापस आना चाहते हैं। और गाइज बीटीएस जल्दी ही मिलिट्री में जाते हैं तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप के साथ वापस भी आएंगे क्योंकि उनकी मिलिट्री सर्विस एक साथ जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी।